महासंघ गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने किया गौशाला का निरीक्षण। विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के द्वारा जनपद बांदा विकासखंड कमासिन की गौशाला का किया गया औचक निरीक्षण। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कमासिन की अस्थायी गौशाला का है, जहां पर आज गौ रक्षा समिति के जिलाध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति अपनी टीम के साथ अचानक गौशाला पहुंचकर संरक्षित गौवंशों का जायजा लिया। जिलाध्यक्ष ने संपूर्ण गौशाला का भ्रमण कर देखी व्यवस्थाएं। गौशाला की अच्छी व्यवस्था देख जिला अध्यक्ष खुश नजर आए। गौवंश के खाने पीने व साफ सफाई आदि की अच्छी व्यवस्था देख कर वहीं पर उपस्थित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता उर्फ बाबा, सचिव दिलीप कुमार, पशु चिकित्सक डॉक्टर कमलेश पटेल व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। जिला अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियों द्वारा लगातार स्थायी व अस्थायी गौशालाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी कमियां देखने को मिल रही है वहां व्यवस्थाएं भी करवाई जा रही है। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आज का जो आपका दौरा है यहाँ का गौशाला चेकिंग का, कैसे क्या यहाँ की व्यवस्था पाई गई? आज ये बांदा जनपद से हम लोग कमासिन क्षेत्र में आए हुए हैं। जो कमासिन की गौशाला बहुत अच्छी पाई गई, वहाँ पर निरीक्षण किया कि करीबन नहीं तो 300 जानवर अभी भी संरक्षित है। गर्मी को देखते हुए यहाँ पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भरपूर पाई गई, जिसको देखते हुए प्रधान जी को सम्मानित किया गया और सचिव साहब और डॉक्टर साहब को भी सम्मानित किया गया टीम के द्वारा। यहाँ के उपस्थित कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। ऐसी ही हमारे पूरे बांदा में चल रही है, जिले में लगातार गौशालाओं में निरीक्षण कर गौशाला कर्मचारियों को सम्मानित किया, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई जा रही लगातार। प्रधान जी आपका? अरविंद बाबा, आज हमारे जिले से महेश प्रजापति जी हमारे गौशाला में पधारे, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, गौ रक्षा सेवा समिति, और पूरी हवाई गायों को गुड़ खिलाया, पूजा किया और यहाँ की जो अव्यवस्थाएँ रहीं उनको बताया और भविष्य में आते रहेंगे और जैसा जो इनकी व्यवस्थाएं सही पाई गईं